वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बैग फ्रॉम 4-6 to 7 ईयर बेबी गर्ल। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14 इंचेस। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस। और लेंथ हमें लेनी है 2.5 इंचेस। और इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में हमें नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें दो पीस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। टॉप पार्ट की इस तरह से एक को राइट रखते हुए दूसरा इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर हमें अटैच करने हैं इस तरीके से। तो देखिए, हमने दोनों शोल्डर यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स कट की है वाइट फैब्रिक से, जिससे हमें आर्म होल पे उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। नेक पार्ट पे भी हम उल्टा रखेंगे और सिलाई करेंगे, वापस रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए, हमने आर्म होल और नेक पार्ट्स को हमने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे ओपन स्लीव्स बना के हमें अटैच करनी है, तो इस तरीके की दो स्ट्रिप्स हमने कट की है। दोनों को साथ में अरेंज करेंगे इस तरीके से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 5 इंचेस और लेंथ हमने ली है 14 इंचेस, जिसकी बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। दोनों साइड के बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हमें वन साइड को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। तीनों बॉर्डर को हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है, तीनों बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आर्म होल पे हमें इसे अटैच करना है, तो दोनों शोल्डर की जॉइनिंग है वहाँ से 3 इंचेस डाउन पे हमें मार्क करना है दोनों साइड पे इस तरीके से, लेफ्ट और राइट में 3 इंचेस डाउन पे मार्क करेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे रफल बना के अटैच करनी है। तो स्लीव्स को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से हल्का सा फोल्ड करते जाना है हमें और स्लीव्स यहाँ पे हम अटैच करेंगे इस तरीके से। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। मार्किंग को मिलाते हुए हम इसे अरेंज करेंगे। और ऊपर से सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने इस तरीके से दो स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है। ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है और बॉटम के पार्ट्स के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं फैब्रिक से, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 31 इंचेस और लेंथ हमने ली है 21 इंचेस।
इसके अपर ऑर्डर पे हमें मेटा नंबर की सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो देखिए हमने सिलेक्ट कर ली है, अब एक धागे को अलग करके हल्के हाथ से खींचना है, दोनों पार्ट्स में हमें गैदरिंग कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए हमने गैदरिंग कर लिया है, अब यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है अपर ऑर्डर को मिलाते हुए और दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अटैच करेंगे, फ्रंट ऑर्डर को बॉटम पार्ट के साथ। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं, अब दोनों को रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाएंगे हम फ्रंट रोबिक को और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों साइड से 1 इंच की डिफरेंस पे हमें सिलाई करनी है और नीचे वाले बॉर्डर को भी हम फोल्ड करेंगे और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हम इस तरीके से फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है, राइट साइड में टर्न कर लिया है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही डिज़ाइनर वेव फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।